हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माउंटेन फौजी। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेड कांस्टेबल जो अभी वैकेंसी निकला हुआ है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बीएसएफ के अंडर, उस रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि कमेंट बॉक्स में मुझे कई बच्चों के जो है कमेंट आ रहे थे कि क्या इसका जॉब प्रोफाइल है, क्या ड्यूटी या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को करनी पड़ती है, क्या फैमिली रख सकते हैं, कितना सैलरी है, कहाँ पोस्टिंग होगा, कितने साल में होगा। तो ये सब आपके जो डाउट्स है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि आपको पता ही होगा कि फौजी बनने के लिए कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैं कुछ यूट्यूब चैनल पर देख रहा हूँ खाली एक आर्मी की टी शर्ट पहन ली, एक बाल बना लिए, उससे फौजी नहीं कहलाता। फौजी बनने के लिए बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाके आपको वर्दी मिलती है, बेल्ट की नौकरी मिलती है, तब जाके आपको जो है देश सेवा का मौका मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीएसएफ के अंडर जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसी निकली है उस रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है कि क्या इनका जॉब प्रोफाइल है। तो पूरा डिटेल से आपको बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इनका जॉब प्रोफाइल होता है, कैसी ड्यूटी होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इनका जो ड्यूटी है तो ड्यूटी क्या करनी होगी आपको। देखिए, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का मतलब हुआ कि आप जो हो एक क्लर्क हो, एज क्लर्क आपको ड्यूटी होगा कि हेड कांस्टेबल आपका एक से सबसे बड़ी बात होगी आपके लिए खुशी की बात कि आप जो है एज ए हेड कांस्टेबल है, यानी आप सीधा ही एक जो जीडी का रैंक होता है उससे एक रैंक अप आप भर्ती होते हो। तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और एक बहुत ही बड़ा रिस्पेक्टफुल ये जॉब है क्योंकि आपका जो क्लर्क है जिसको फौज में बाबू कहा जाता है, दोस्तों बाबू आपको जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बाबू आपको बोला जाता है, और आप अगर ऐसी प्रोफेशनल भाषा में बोले तो इसको क्लर्क बोला जाता है। तो बहुत ही बिल्कुल ही बढ़िया ऑफिशियली जॉब होने वाला है आपका, बिल्कुल कंप्यूटराइज वर्क है, आपको कहीं भी बॉर्डर पे जाना नहीं है, बस ऑफिस में आपको ड्यूटी रहना है। या तो आपका जो ज़्यादातर इनकी ड्यूटियाँ होती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, या तो जो फ्रंटियर्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जो जैसे सीजीओ कॉम्प्लेक्स जो दिल्ली में है, जो इनका हेड ऑफिस है बीएसएफ का, तो कुल मिला के आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल ही इनका जो है पूरा ऑफिशियल वर्क है, किसी प्रकार का कोई फील्ड का ड्यूटी नहीं है। आपको कहीं ऑपरेशन में नहीं जाना है, ना कहीं बॉर्डर पर जाना है, ना कहीं ऐसा रिस्क की ड्यूटी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आपका चेयर पर कंप्यूटराइज वर्क है और बिल्कुल ही आप अफसर के टच में रहेंगे, ऑफिशियल वर्क है कुल मिला के देखा जाए तो ड्यूटी का आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं है क्योंकि बहुत ही आपका अच्छा ड्यूटी होने वाला है। अब बात करते हैं इसका टाइमिंग का, तो क्या इनका टाइमिंग होता है। देखिए, आप तो जब बेल्ट की नौकरी में आ गए, जब आप फौजी बन जाते हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डिसिप्लिन आपको होना पड़ता है, एक डिसिप्लिन रहना पड़ता है। लेकिन आपको बता दूं कि इनका जो समय है वो जो बाकी कैडर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग है। आपको देखिए, 9 बजे आपका ऑफिस टाइम शुरू हो जाता है, 9 बजे से 1 बजे तक का आपका जो है आपका 9 बजे से 1 PM तक आपका जो ऑफिस टाइम होगा, 1 PM को आपका लंच ब्रेक हो जाएगा। और 1 PM में दोस्तों आप लंच करने जाओगे तो आपको सीधा ऑफिस में आना होगा 4 बजे या 4:30 को आपका सीधा ऑफिस का टाइम होगा, और इसके बाद जो है आपका 7 से 8 बजे तक आपको ऑफिस वर्क करना पड़ेगा। बस आपका इतना ही शेड्यूल है, 9 to 1 PM और 4 PM to 7 या 8, बस आपका इतना शेड्यूल है। संडे को आपको छुट्टी होगा। अगर आप कहीं सेक्टर या फ्रंटियर या कहीं डायरेक्टर जनरल जैसे सीजीओ कॉम्प्लेक्स इनका बीएसएफ जो वहाँ ऑफिस है सबसे बड़ा, उसमें अगर होंगे तो आपको शनिवार को भी छुट्टी होगा। वर्किंग डेज ओनली 5 आपका वर्किंग डेज होने वाला है, तो आपको समय का भी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मज़ेदार है आपका जॉब होने वाला है। अब बात करते हैं आपकी सैलरी कितनी होगी। तो देखिए, इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 जो इसका ग्रेड पे है उस पर आप भर्ती होते हो ग्रेड पे और आपका जो बेसिक है, मतलब आपका कुल मिला के आप अप्रॉक्स अगर माने इसको तो आप लगभग आप 45,000 आपका सैलरी लगभग बन जाता है, सारा जो अलाउंस हो सब मिला के 45,000 आपका हाथ में आ सकता है। और दूसरी बात करूँ अदर अलाउंस की, जैसे आप अगर कहीं हिल एरिया में पोस्टेड होते हो या बॉर्डर एरिया मान लीजिए, वहाँ पर क्या होता है आपका रिस्क अलाउंस आपको मिलेगा। रिस्क अलाउंस आपको दोस्तों लगभग 17-18 हज़ार तक मिलेगा, तो आप इसको रिस्क अलाउंस को इसमें ऐड कर लीजिए तो आपका लगभग 75-70 हज़ार हिल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि प्लेन एरिया की, सॉफ्ट एरिया की। अगर आपकी तैनाती कठिन क्षेत्र में होती है तब जाके आपको 17,000 अलाउंस इस पर प्लस होगा,
और अच्छा खासा आपके सैलरी इसमें बनने वाला है। लेकिन आप मोटा मोटी मान लीजिए कि 45-46 हज़ार आपका इन हैंड सैलरी बन जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सैलरी भी ठीक ठाक है, जॉब भी ठीक ठाक है, ड्यूटी का भी आपको कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं इसका जो है आपका थर्ड जो है दूसरी जो आपका पॉइंट था कि क्या छुट्टी इसमें कितनी मिलेगी। तो देखिए जो दोस्तों छुट्टी इसमें दो प्रकार की होती है, वैसे मानी जाए तो तीन प्रकार की छुट्टियाँ होती है इसमें। एक होती है अर्न लीव जो आपकी मतलब 2 महीने की होती है 60 दिन की, और दूसरी होती है कैजुअल लीव जो आकस्मिक अवकाश मतलब इमरजेंसी छुट्टी जिसको बोलते हैं वो होती है आपकी 15 दिन। 15 दिन में आपको जो 15 दिन के अलावा इसमें जो प्लस होते हैं वो संडे और जीएच ये इसमें अलग से जुड़ जाते हैं। और तीसरी जो मैंने बता रहा था वो है मेडिकल लीव, अगर आप बीमार होते हो या आपको कोई ज़्यादा रेस्ट की आवश्यकता होती है या ऐसा कोई आपको मतलब बीमारी है जो आपकी 1-1.5 महीने में चलेगी, आप मतलब ठीक नहीं हो रहे हो, तब आपको मेडिकल लीव दी जाती है, अदरवाइज़ आपको मेडिकल लीव नहीं मिलती है। इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि आपका जो थर्ड लीव है वो है मेडिकल लीव है, बाकी आपका एक अर्ली हो गया और CL हो गया 60 दिन और EL हो गया अर्न लीव 60 दिन। तो आपका बस ये दो छुट्टी मैंने मेडिकल लीव का आप जब बीमार होते हो तभी आपको ये मेडिकल अफसर द्वारा रिकमेंड की जाती है। अब आते हैं आप चौथा जो पॉइंट है कि क्या इस जॉब में फैमिली रख सकते हैं। तो बिल्कुल आप फैमिली रख सकते हो, ऐसा जॉब आपको नहीं मिलेगी कि आपको बिल्कुल फैमिली रखने का मौका मिलेगा इसमें। आपकी मतलब बॉर्डर में तैनाती होने के बावजूद भी अगर आप बॉर्डर में भी हो, आपकी यूनिट जो है बॉर्डर लोकेशन में है, तब भी आपको जो है बिल्कुल यूनिट के अंदर ही रहना है, ऑफिस के अंदर आपका वर्क होने वाला है, आपको बॉर्डर पे या कहीं मिशन में या कहीं ऑपरेशंस में आपको जाने का नहीं है, बिल्कुल आपका ऑफिशियल वर्क है। तो आप फैमिली आराम से रख सकते हैं, आप जैसी क्वार्टर्स अगर खाली होगी तो आपको तुरंत अप्लाई करने के बाद क्वार्टर्स इशू हो जाएगा, या क्वार्टर्स अगर अंदर वैकेंसी नहीं है तो आपको सिविल में भी आपको क्वार्टर्स मुहैया हो जाएगा और आराम से आप वहाँ पर फैमिली रख सकते हो। अब आपका फैमिली का भी डाउट क्लियर हो गया कि फैमिली रख सकते हैं कि नहीं। अब पांचवा जो पॉइंट आता है कि क्या इसका फ्यूचर है। देखिए ऑफिशियल जॉब है तो भी इसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, इसके अलावा भी और कुछ करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना मौका मिलेगा पढ़ने का कि आपको बाकी जो GD कैडर्स होते हैं, अदर कैडर्स जो होते हैं, फॉलोअर स्टाफ होता है, उनके अलावा आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा समय मिलने वाला है, क्योंकि आपका जो टाइमिंग मैंने बताया वो बहुत ही बढ़िया टाइमिंग है। आपको कहीं नाइट ड्यूटी नहीं लगेगा, ना कहीं आपको मिशन ऑपरेशंस में जाना है, बस आपको ऑफिस वर्क है। ऑफिस वर्क होने के बाद आपका जो समय बचेगा वो आप ही का समय है, उसमें आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो और आगे बढ़ने का आपको बिल्कुल चांस मिलेगा, आप उसका बिल्कुल पढ़ाई करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो इसमें जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है, इसकी चिंता मत करिए, बहुत अच्छी जॉब है। और दूसरा जो है आपका 6 नंबर का पॉइंट वो है ट्रांसफ़र कितने साल में होता है। देखिए ट्रांसफ़र की कंडीशंस होती है, अगर आप सॉफ्ट एरिया में है, मान लीजिए कोई सिटी में अच्छी लोकेशन में है, आप जैसे दिल्ली हो गया या कहीं इनका फ्रंटियर हो गया, सेक्टर्स हो गए, अगर आप ऑफिशियल मतलब ऐसी अच्छी जगह में है तो आपका 3 साल में आपका ट्रांसफ़र आ जाएगा या 2 साल में। अगर आप इसके विपरीत अगर आप कहीं लेह लद्दाख में पोस्टेड हैं तो वहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए आपका 2 साल में वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये मैं अदर कंडीशन की बात कर रहा हूँ, जैसे हिल एरिया हो गया या बॉर्डर एरिया हो गया, वहाँ में आपका 2 साल में अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी अदर जगह आप 3 साल तक आराम से फैमिली रख सकते हो और वहाँ भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका आता है 7 नंबर का पॉइंट है लोकेशन, आपके ड्यूटी लोकेशन क्या होगा। देखिए आपको जहाँ जहाँ इनकी यूनिट है, चाहे वो हिल एरिया में हो या सॉफ्ट एरिया में हो, आपका पोस्टिंग वहाँ पर होगा, क्योंकि ऑफिशियल ऑफिस तो हर जगह होते हैं, तो आपका ऑफिशियल वर्क है तो आपको वहाँ जाना होगा, बस बशर्ते इतना है कि आपको बॉर्डर पे नहीं जाना होगा। अगर बॉर्डर यूनिट में भी आपकी पोस्टिंग है, आपको यूनिट में रहना है और यूनिट में जो ऑफिस होते हैं बस वहीं में आपको काम करना है। अब आते हैं इसका प्रमोशन कहाँ तक होगा। देखिए प्रमोशन में इसका बहुत ही जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन आ सकता है, अगर आप हेड कांस्टेबल एज ए डायरेक्ट हेड कांस्टेबल आते हो तो आपका 5 से 7 साल में आप ASI बन जाओगे, यानी आप SOs की गिनती में आ जाओगे, जो SOs रैंक होता है आप 1 स्टार लग जाएगा आपको और आप ASI बन जाओगे। उसके बाद जो है आपकी प्रमोशन खुल जाएगी और जैसे जैसे आपकी वैकेंसीज प्रमोशंस की सीट खाली होती है उसके आधार पर आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत ही आराम वाली ये नौकरी है तो प्रमोशन की उतना चिंतित मत कीजिए आप। अब आते हैं हमारा जो 9वां पॉइंट है कि इसका
ड्रेस कोड क्या होगा। देखिए ड्रेस कोड जो है जगह पे डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी कौन कौन सी जगह है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि आपकी छत्तीसगढ़ ड्यूटी है तो वहाँ का ड्रेस कोड अलग होगा। इसका बेसिकली दो ड्रेस कोड होता है, एक होता है सेरेमोनियल ड्रेस जो होता है एक खाकी कलर का, और दूसरा होता है कॉम्बैट ड्रेस जो होता है एक चितकबरा बोलते हैं जिसको। तो ये दो टाइप का ड्रेस होता है और इसको जो है यूनिट अपने लेवल पर इसको डे बाई डे अपना डिसाइड करती है कि कौन सी दिन कौन सी वर्दी पहननी है। तो आपकी दो ड्रेस हो गई, एक कॉम्बैट और एक सेरेमोनियल जिसको खाकी ड्रेस बोलते हैं। तो आपको ज़्यादातर जो ऑफिस वर्क है वो खाकी ड्रेस में होगा। और इसके अलावा और एक ड्रेस है जो कि है पीटी ड्रेस जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे आपका जो ऑफिस सुबह का टाइम जो है लंच टाइम तक का, उस टाइम आपका जो है ऑफिशियल वर्दी होगा या कॉम्बैट होगा या फिर सेरेमोनियल ड्रेस होगा। उसके बाद जो है आपका इवनिंग टाइम में आपका पीटी ड्रेस होगा, और अदर डे जैसे शनिवार हो गया या संडे हो गया उस टाइम आप सिविल ड्रेस भी पहन सकते हो और आप जो है पीटी ड्रेस भी पहन सकते हो। तो ये इसका ड्रेस कोड हो गया। और आपको मैं इतना सारी जानकारी बिल्कुल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एज ए फौज मेंबर मुझे पता है, हम इनके साथ ड्यूटियाँ करते हैं, हमको पता ही है कि इनका एक्चुअल जॉब क्या है। आपको अदर यूट्यूब पर भी अदर जी यूट्यूब चैनल से उस पर कई सारे ऐसी कि आर्मी का जानकारी देंगे, लेकिन जेन्युइन बात देखी जाए तो आपको भी पता ही होगा कि जो इनके साथ ड्यूटियाँ करते हैं उनको ज़्यादा जानकारी होगा कि बाहर के बंदों को। तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद से फैसला कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके फौजी भाई को मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी ही आपके लिए जानकारी बनाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।